सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर दुनिया में कोई सबसे औसम चीज़ है तो वो कम्युनिकेशन है। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो लाखों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। दिल को सुकून मिलता है जब हम अपना कम्युनिकेशन कर लेते हैं। कई बार हमारा कॉन्फिडेंस अप हो जाता है जब हम अपनी बात को किसी के सामने रख देते हैं। कोई हमें कम्युनिकेट करता है तो हमारे लिए वो गुड न्यूज़ का काम करती है, हमारी मोटिवेशन का काम करती है। तो चलो चेक करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा या फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज इट एक्ट एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैनेजमेंट, तो हमने कोऑर्डिनेशन टॉपिक किया था और हमने कहा था इट इज़ द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की आत्मा जो है वो कोऑर्डिनेशन है। और कोऑर्डिनेशन का आधार क्या है? कम्युनिकेशन। यानी अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऑसम चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट आता है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो, जब कम्युनिकेशन आएगा तो वर्किंग स्मूथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएंगी। एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स वाले को कम्युनिकेट करेगा, सेल्स वाला मार्केटिंग को कम्युनिकेट करेगा, मार्केटिंग वाला फाइनेंस को कम्युनिकेट करेगा, तभी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सभी अपने अपने काम को स्मूथली कर पाएंगे। तो दूसरा फायदा क्या है? इट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तीसरा फायदा होता है इट्स एक्ट्स लाइक ए बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत बार डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमें डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, सभी हमें कम्युनिकेट कर दें, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेटा हो, तो हम उससे डिसीजन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है इट इंक्रीजेस मैनेजेरियल एफिशिएंसी। देखो, डिसीजन जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के बेस पर होते हैं, और अगर डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे तो एफिशिएंसी नहीं आ सकती है। तो एफिशिएंसी के लिए डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसीजन बिना कम्युनिकेशन के नहीं लिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जब हम डिसीजन प्रॉपर लेते हैं तो उसे मैनेजरियल एफिशिएंसी में इजाफा होता है, इंक्रीमेंट होता है। अगेन, इट्स एन ऑसम थिंग लाइक कम्युनिकेशन। पांचवा पॉइंट आता है इट प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। देखो, कॉपरेट करना बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। दूसरा, बहुत बार क्या होता है, हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, बहुत सारी यूनियंस बन जाती हैं, लॉकआउट्स हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है। ऐसे में जब टॉप लेवल आकर के वर्कर के साथ कम्युनिकेट करता है तो इंडस्ट्रियल पीस आता है, शांति आती है, इंडस्ट्री के लोगों को तसल्ली मिलती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो कहीं ना कहीं कॉपरेट करने के लिए या इंडस्ट्रियल पीस के लिए अगेन सबसे ऑसम चीज़ अगर कोई है तो वो है कम्युनिकेशन, आदान प्रदान विचारों का। इट एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। मतलब हिस्ट्री प्रूफ है इस बात की कि जितने भी लीडर हुए हैं वो सबसे अच्छे वक्ता रहे हैं। वक्ता मतलब बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, मतलब उनकी बातें जब वो बोलते थे तो लोग सुनने के लिए बेचैन हो जाते थे और घंटों खड़े होकर के उनकी बातें सुनते थे। अभी भी आप देख लो जो टॉप लीडर्स हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी, जब वो भाषण देते हैं, मन की बात करते हैं, तो लोग चिपक जाते हैं टीवी के सामने उनकी बात को सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट माना जाता है वो माना जाता है कम्युनिकेशन। जब आप अपने दिल की बात दूसरे के दिल तक पहुंचा पाते हो इफेक्टिव वे में, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट? तो है ना दुनिया की सबसे ऑसम चीज़ क्या? कम्युनिकेशन। उसके बाद सातवीं इंपॉर्टेंस आती है बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। आपको कोई गुड न्यूज़ देता है, आपके बारे में कोई अच्छी बात आप तक कम्युनिकेट करता है, आपके पास रिजल्ट कम्युनिकेट होता है, आपके अच्छे नंबर आते हैं, कॉन्फिडेंस अप होता है, मोटिवेशन आता है, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन वो बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता, यानी कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। तो दुनिया की सबसे ऑसम चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन। इस पॉइंट्स को नोट कर लो, और डिटेल में जाना चाहते हो तो नोट्स को रेफर कीजिए प्लीज़, ठीक है? दुनिया की सबसे ऑसम चीज़ क्या है? आप, यानी कि कम्युनिकेशन। AWESOME, ए से एक्ट्स एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज स्मूथ हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ना?
और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये बड़ा क्लियर हो जाता है और डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. ऑफर्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्री में शांति आती है, लोग कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब उनको तसल्ली मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, सांत्वना मिलती है, कम्युनिकेशन मिलता है, हौसला अफजाई होती है, तब मोटिवेशन इंक्रीजेस. यस ऑफ कोर्स, अच्छी न्यूज़ आती है, मोटिवेशन इंक्रीज होता है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव लीडरशिप. टू बी अ गुड लीडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज कम्युनिकेशन, राइट. दुनिया की सबसे औसम चीज़ क्या है, सबसे औसम चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन.